तो यार आज के दिन की फर्स्ट अपडेट उमर के बारे में है। तो रिसेंटली शामोन इस्माइल और मोरू का एक ट्रैक आउट हुआ है जिसका नेम है बोलो। तो इस पर रिएक्ट करते हुए उमर का कहना है, दिस न्यू मोरू एक्स शामोन इस्माइल इज़ द वाइब फॉर रियल यंगस्टर्स। और फारिस शफी का 19 दिसंबर को कराची में जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसमें एसन, सैविज, बोल जाने, जास और शारे अख्तर भी परफॉर्म करेंगे। और इस कॉन्सर्ट को होस्ट करने वाली हैं मतीरा। तो अब बात कर लेते हैं लेजरस के बारे में। तो लेजरस की तरफ से ऐसी स्टोरी आई है, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान। तो लेजरस का किड शोर के साथ ही कोलैब होने वाला है, लेकिन पाकिस्तानी आर्टिस्ट का फिलहाल नेम रिवील नहीं हुआ। अगली न्यूज़ ईवा बी के बारे में है। तो ईवा बी को क्यूएनए में कहा जाता है वी वांट कोलैब विद यंगस्टर्स। तो ईवा बी का कहना है दे चार्ज $6,000 जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में ऑलमोस्ट 1 मिलियन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एसन, तलहा यूनस ने उनके साथ फ्री में कोलैब किया है। एसन को लाइव सेशन में कहा जाता है कि तलहा यूनस के साथ आपका कोलैब कैसे हुआ। तो एसन का रिप्लाई आप लोग यहाँ पे सुन लो। ब्रो, आपका तलहा यूनस के साथ सीन कैसे हुआ? यार ये बहुत मजे का क्वेश्चन है। अब वाइब ये थी कि मैं यूनस भाई के गाने सुने हुए थे, अंजुम भाई के गाने मैं बहुत टाइम से सुन रहा था। यूनस भाई के मैंने गाने सुनने शुरू किए थे 2017 में, पेप्सी रैप बैटल हुआ था 2019 में। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि इस पर एंट्री कर, मैंने की और मेरा हो भी गया। अब फर्स्ट टाइम जब मैं यूनस भाई को मिला ब्रो, मतलब मैं फर्स्ट टाइम उस टाइम रैपर्स को मिल रहा था, मतलब मेरे गुजरांवाला में उस टाइम कोई रैपर नहीं था। तो मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम रैपर किसी को मिल रहा था और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं जिनको सबसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ वो पाकिस्तान के ओजीज हैं ब्रो। तो मैं तो उधर मिल के, मतलब मेरी वाइब ब्रो चेंज थी वहाँ पे, मतलब बहुत वाइब चेंज थी मेरी। और उस टाइम ही यूनस भाई से जब वाइब हुई, यूनस भाई को मैंने अपना काम से, क्योंकि उस टाइम मेरा गाना भी कोई नहीं था। और मेरे लिए यार बड़ी बात ये थी कि मेरा गाना भी कोई नहीं था। यूनस भाई ने मुझसे सिर्फ मेरे लाइव सुन के मुझे उन्होंने ये कहा कि भाई गाना गा रहे हैं, मेरे लिए यार वो बहुत बड़ी बात थी। तो अब बात कर लेते हैं रैप डीमन के बारे में। तो स्पॉटीफाई पे रैप डीमन के 100 के मंथली लिसनर्स कंप्लीट हो चुके हैं और जोके के भी। तो अब बात कर लेते हैं जे जे 47 के बारे में। तो जे जे 47 की तरफ से जल्दी एक ट्रैक आने वाला है। जे जे 47 का ट्वीट करते हुए कहना था हाउ अबाउट एनदर वन। अगली न्यूज़ तैमूर बे के बारे में है। तो तैमूर बे के नेक्स्ट ट्रैक के बिहाइंड द सीन से कुछ ऐसी क्लिप देखने को मिली है। तो फिलहाल यार इतनी अपडेट्स हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।